हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट। लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर न्यू नोटिफिकेशंस। आज मैं डिस्कस करूंगी आर्टिस्ट ललित मोहन सेन के बारे में। लाइक अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं ललित मोहन सेन। अच्छे से देखिएगा ध्यान से। सो एक्सप्लेन करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1898 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी पश्चिम बंगाल में। और जन्म हुआ कहाँ था ये इम्पॉर्टेंट है, तो नदिया ज़िले में, पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले के शांतिपुर नामक स्थान में हुआ था। और ये में कब गए थे एज ए स्टूडेंट, तो 11 वर्ष की उम्र में लखनऊ आ गए थे और इनरोल्ड हुए थे यहाँ पर एज ए स्टूडेंट 1912 ईस्वी में। लखनऊ कला विद्यालय में प्रवेश लिए और ये लखनऊ कला विद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रथम छात्र रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है कि पहले छात्र कौन थे, ललित मोहन सेन। 1917 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त की। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनके गुरु तत्कालीन प्रधानाचार्य, उस टाइम प्रधानाचार्य थे नेथेलियन हर्ट, इन्होंने 1918 ईस्वी में ललित मोहन सेन को यहाँ पर शिक्षक के रूप में नियुक्त किए। देखिए लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना हुई थी 1911 ईस्वी में। यहाँ के फर्स्ट यूरोपीय टीचर रहे हैं नेथेलियन हर्ट। और 1925 ईस्वी में यहाँ पर एज ए टीचर इनरोल्ड हुए थे भारतीय प्रथम अध्यक्ष रहे हैं असित कुमार हल्दर, तो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। और 1918 ईस्वी में यहाँ पे एज ए शिक्षक नियुक्त किए गए थे ललित मोहन सेन। 1923 से 24 ईस्वी में उच्च शिक्षा लेने के बाद ये कहाँ चले गए थे, तो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी, वहाँ पर एजुकेशन लेने चले गए थे। 1926 ईस्वी में इन्होंने लंदन से चित्रकला का कास्ट उत्कीर्णन, तो क्या सीखा इन्होंने लंदन में, कास्ट उत्कीर्णन में डिग्री प्राप्त की ARCA की। लंदन में इनके गुरु कौन रहे हैं, रोथेमस्टीन। देखिए नेथेलियन हर्ट कहाँ पे गुरु थे, तो ये थे लखनऊ कला विद्यालय में, और लंदन में इनके टीचर थे रोथेमस्टीन। ललित मोहन सेन रॉयल कॉलेज लंदन के एसोसिएट रहे हैं, तो ये भी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रॉयल कॉलेज के एसोसिएट रहे थे ललित मोहन सेन। लंदन से लौटने के बाद कब लौटे थे, 1926 ईस्वी में जब लौटे थे, तो 1926 ईस्वी में इन्हें लखनऊ कला विद्यालय में ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग, तो ये ध्यान रखिएगा कि ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग के अध्यक्ष कब बने हैं ये, 1926 ईस्वी में लखनऊ में, लंदन से जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आए थे उसके बाद। लंदन में इंडिया हाउस, इंडिया हाउस की दीवारों पर इन्होंने भित्ति चित्रण किया, कि उनके साथ कौन कौन गए थे, सुधांशु चौधरी, वीरेंद्र कृष्ण वर्मन तथा रांदा उकील, शारदा रांदा वांदा जो थ्री ब्रदर्स हैं, तो रांदा उकील के साथ ये ललित मोहन सेन भी गए थे, लंदन भेजा गया था इन्हें। 1942 ईस्वी में लखनऊ कला विद्यालय के अधीक्षक शिल्पी नियुक्त किए गए। 1945 ईस्वी में असित कुमार हल्दर के प्राचार्य पद से अवकाश। देखिए 1925 ईस्वी में इनरोल्ड हुए थे असित कुमार हल्दर एज ए टीचर, ठीक है, जब ये प्राचार्य पद को नियुक्ति दे दिए थे, लाइक अवकाश दे दिए, इनके लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य बना दिया गया, तो कौन बने यहाँ पर प्राचार्य, ललित मोहन सेन, क्योंकि उससे 1945 में तो रिज़ाइन दे दिए थे असित कुमार हल्दर, और 1925 में इनरोल्ड हुए थे एज ए टीचर, और जब वो रिज़ाइन दिए तो उसके बाद यहाँ पर टीचर बन गए थे ललित मोहन सेन। और ललित मोहन सेन की मृत्यु भी वहीं हो गई थी 1954 ईस्वी में। लखनऊ कला विद्यालय में ग्राफिक कला की शुरुआत इन्होंने की थी। ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत में यूपी में प्रथम ग्राफिक कला की स्टार्टिंग किसने किया, तो भारत के यूपी में आर्टिस्ट ललित मोहन सेन। ये चित्रकार, मूर्तिकार व फोटोग्राफर भी थे, ध्यान रखिएगा क्या क्या रहे हैं, चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकर, फोटोग्राफर, चारों रहे हैं। इन्होंने तैल, जेल, गुआश, टेम्परा टेक्निक में भी काम किया है। इन्होंने ग्रामीण चित्रण, ग्रामीण बालिकाओं का जो चित्रण किया है उसकी मुखाकृतियां में कौन सा कलर यूज किया, तो पेस्टल रंग। ये आजीवन अविवाहित रहे, इन्होंने शादी नहीं की। इन्होंने तिब्बत तथा बर्मा आदि का भ्रमण किया तथा केदारनाथ, बद्रीनाथ, कुल्लू जाकर और ये कहाँ गए थे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कुल्लू, मनाली जाकर पेंटिंग्स करते थे। इन्होंने बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियाँ तैयार की ललित मोहन सेन ने। और कश्मीरी पर्यटक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कश्मीरी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर किसने तैयार किया, ललित मोहन सेन ने।
इन्होंने बंगाली में यूरोपीय महिला और राष्ट्रीय नेताओं के बीच वितरण बनाए। छापा कला में इन्होंने किसका मतलब किसमें काम किया है अपनाया है तो एचिंग को। एचिंग अमलांकन प्रक्रिया है जो 1515 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था जर्मन में। इनके चित्र अमृता शेरगिल के समान रखते गए हैं, ठीक है, किसके समान रखते हैं तो अमृता शेरगिल के। इनके फेमस स्टूडेंट देखिए कौन कौन है, बी एन आर्या इनके स्टूडेंट है जिनका पूरा नाम है बद्रीनाथ आर्या। पाकिस्तान में 1936 ईस्वी में पैदा हुए थे और इनकी फेमस पेंटिंग है सावरी रखी हुई है अलाहाबाद संग्रहालय में। और एक और फेमस है बद्रीनाथ आर्या की पी कहाँ रखी है AB आर्ट गैलरी वाराणसी में। ये दोनों फेमस है बद्रीनाथ आर्या की पेंटिंग। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं मदन लाल नागर, काफ़ी फेमस है। तो ये लखनऊ में इन्होंने क्या बनाया है, लखनऊ में लैंडस्केप, सबसे ज़्यादा लैंडस्केप लखनऊ का चित्रण किसने किया है तो मदन लाल नागर ने। नेक्स्ट है हरिहर लाल मेड, हरिहर लाल मेड की फेमस है मेघदूत, ये भी वॉश मेघदूत इन्होंने बनाई है, वॉश टेक्निक में काम करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है रणवीर सिंह बिष्ट, टिहरी गढ़वाल में 1928 ईस्वी में पैदा हुए थे और इन्होंने बाढ़ का दृश्य, लखनऊ के बाढ़ का दृश्य चित्रण किया है। अब हम ललित मोहन सेन के ये सारे स्टूडेंट रहे हैं और फेमस आर्टिस्ट भी हैं, इनसे रिलेटेड मैंने बहुत छोटे छोटे से 1-2 मिनट के वीडियोस अपलोड किए हैं अपने चैनल पर, आप देख लीजिएगा अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनकी फेमस पेंटिंग न्यूड एंड ट्रेनिंग ए मॉडर्न पेंटर, पोस्टर गर्ल, द क्वीन ऑफ हिल्स, अनुभूति श्रृंखला, स्नान गृह, गली का मोड़, पनघट से वापसी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी आर्ट हब। लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशंस।